महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और राज्य के बाकी हिस्सों पर छाए बादल आफत बनकर बरस रहे हैं, जहां लगातार हो रही भारी बरसात के चलते शहर की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया है। सड़कों के साथ साथ अस्पतालों और रेलवे स्टेशन तक पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, जहां मौसम विभाग की ओर से मंगलवार को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी रहने की संभावना जताई थी। इसी को देखते हुए सरकार ने 2 जुलाई को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल ऑफिस बंद रखने का फैसला किया है। बृहमुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से कहा गया कि आज 2 जुलाई को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे, साथ ही सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में भी पब्लिक हॉलीडे कर दिया गया है। जब मुंबई पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मुंबई और आसपास के इलाके में मौसम विभाग के चलते मुंबई में 3 दिन छुट्टी का ऐलान किया है, जहां मुंबई वासियों को सलाह दी गई है कि घर से पहले निकलने से पहले मौसम की अपडेट जरूर चेक करें। फिलहाल मुंबई के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पब्लिक हॉलीडे घोषित किया गया है। स्टेशन से मैं दादर स्टेशन जाना चाहता था, उधर से फिर मैं वेस्टर्न रेलवे पकड़ के ग्रैंड रोड जाना चाहता था, तो आज ये पानी का कारण ट्रेन बंद है थोड़े के लिए। कितनी देर से रुके हैं आप? मैं आधा घंटा हो गया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं स्टेशन पर भीड़ है, सबको बताया गया है कि आज छुट्टी है, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले? बताया गया था, पर वो जो ना ऐसे भी कल भी गए नहीं थे, आज इसके लिए ट्राई कर रहे कि जा सके। यहाँ पर मैं 6:50 में आया हूँ, उस टाइम से अभी तक 8:05 हो गया, अभी तक खड़ा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है गाड़ी का। और जिस तरह से हम देख रहे हैं 2 दिनों से बारिश हो रही है, ट्रेन लेट हो रहे हैं, तो काम पर जाने में किस तरह की दिक्कत हो? बहुत परेशानी हो रही है, इतना पानी हेल के जा रहा हूँ। कल रात में भी आया हूँ तो माटुंगा से आगे कोई ट्रेन नहीं मिला हमें, फिर माटुंगा से पैदल गया हूँ, फिर उसके बाद अभी खड़ा हूँ ड्यूटी जाने के लिए। 8 बजे से मेरा ड्यूटी है, लेकिन अभी भी 6:50 से खड़ा हूँ कि जल्दी निकल जाऊँगा, तो भी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे आके फंसा हूँ पानी में।